गेम्स में पाकिस्तान जो पाकिस्तान के पहलवान को हराकर गोल्ड मेडल हासिल करने वाले सोनीपत के होनहार पहलवान नवीन का गांव रायपुर अखाड़े में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। खास बात यह है कि नवीन ने नाइजीरिया, सिंगापुर, इंग्लैंड के खिलाड़ियों को भी हराया और पाकिस्तान के पहलवान को तो एक भी पॉइंट बनाने का मौका नहीं दिया। उसे 9-0 से हराते हुए गोल्ड मेडल जीत कर देश और हरियाणा का नाम देखिए उन्होंने रोशन किया है और कई देशों के पहलवानों को हराया है। कॉमनवेल्थ खेलों में पाकिस्तान को हराकर गोल्ड मेडल जीतने वाले नवीन का स्वागत सोनीपत पहुंचने पर जोरदार तरीके से किया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं कि नवीन जो है काफी खुश है और खास बात यह है कि इन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर देश हरियाणा और अपने गांव का भी नाम रोशन किया है। एक बार पहलवान से हम बात कर लेते हैं। नवीन जी, जिस तरह से ये गोल्ड मेडल आपको हासिल किया, किस किस के साथ आपके जोरदार मुकाबले हुए? मेरा पहला मुकाबला था नाइजीरिया के साथ था और दूसरा सिंगापुर के साथ और सेमीफाइनल था वो इंग्लैंड के साथ था जहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं और जो फाइनल मुकाबला पाकिस्तान के साथ। अच्छा, फाइनल मुकाबला पाकिस्तान के साथ आपका हुआ, आपने पाकिस्तान के पहलवान को हराया, कितने पॉइंट से हराया? मैंने 9-0 से हराया पाकिस्तान का पहलवान। अच्छा, आपने ये गोल्ड मेडल जो हासिल किया है इसके लिए अपने जीवन में कितना संघर्ष किया? बहुत ज्यादा संघर्ष किया और बहुत ही कड़ी मेहनत किया। जब ये गोल्ड मेडल आया हमारे को सब बहुत सहयोग इस मेडल में। कोच है, कोच से एक बार बात कर लेते हैं जिन्होंने काफी जो है ग्राउंड जीरो से नवीन को कुश्ती के वो दाव पेच सिखाए जो अब कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुआ है, उनसे बात कर लेते हैं। कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड जीता है वो भी पाकिस्तान को हराकर, इंग्लैंड को हराया, तो क्या कहना चाहते हो, लड़का किस शक्ति ताकत से आगे बढ़ रहा है? देखो, नवीन ने पिछले 3 साल में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाया है और सीनियर लेवल पे इसका इस साल बेस्ट प्रदर्शन रहा है। सीनियर एशिया में मेडल जीता और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीत के इसने साबित किया कि इसमें पोटेंशियल है कि बहुत आगे बड़े टूर्नामेंटों में मेडल जीत सकता है। अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे 2024 जो है आने वाला है उसमें भी ओलंपिक है, तो क्या कहना चाहते हो, क्या विश्वास लगता है आपको? हम पूरी तैयारी में हैं, 2023 में क्वालिफाई होगा 2024 ओलंपिक के लिए और पूरा तैयार है, पूरा मोटिवेटेड है और उसको हम हासिल करेंगे। सबको विश्वास ये है कि नवीन बहुत शक्ति व ताकत से आगे बढ़ते हुए भविष्य में भी गोल्ड मेडल हासिल करके यूं ही देश हरियाणा और सोनीपत का नाम रोशन करता रहेगा। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत। जी दिल्ली एनसी।